Hello students, this is Swaminarayan. Today we continue with the global environment issues. Okay. Global environment issue जो भी है उसमें हमने क्या पढ़ा अब तक, sustainable development क्या है, then green house effect क्या है, climate change क्या है, वो सब हमने पढ़ा. उस वो इसी वजह से होता है कि तो उसको वो सब होने में किसका भाग है. ओके, उसके रिलेटेड हमने पढ़ा. तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, वो भी हम वो हमने लिस्ट आउट किया था कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस में क्या इंक्लूड होता है. तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस के जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. ओके, तो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, देन वाटर वेपर है, वो सब हमने हमने लिस्ट आउट किया था. अभी उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट अबाउट 55 to 60%. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना होता है, दैट इज 55 to 60%. वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट अबाउट 55 to 60% टू ग्लोबल वार्मिंग. तो मैक्सिमम अमाउंट किसका है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड 55 to 60%, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है. जो भी एटमॉस्फेयर में सभी चेंजेस होता है, ओके, उसके लिए 55 to 60% कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है. इट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, दैट मीन्स ऑयल, नेचुरल गैस, कॉल, वो हम बर्न करते हैं, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है. देन रेस्पिरेशन प्रोसेस, दैट मीन्स जो ब्रीथिंग प्रोसेस है एनिमल्स और प्लांट की, उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जनरेट होता है. डीफॉरेस्टेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो भी प्लांट्स वगैरह कट हो रहे हैं उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी क्वांटिटी है, और जो भी क्वांटिटी बोल सकते हैं, अमाउंट बोल सकते हैं, वो बढ़ गया है. डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट या उत्पन्न होने में ये सब का भाग है. द लेवल ऑफ CO2 हैज इंक्रीज फ्रॉम 280 ppm टू 370 ppm इन द लास्ट 5 decades. तो लास्ट 5 decades से 280 ppm से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 370 ppm हो गया है. इट्स रेसिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर इज 100 years, दैट मीन्स 100 years तक वो एटमॉस्फेयर में रहता है. द वेइंग असाइन टू इट इज यूनिटी, that is one. The next one is methane. Methane is second important gas responsible for the global warming. Its contribution is about 18 to 20% to global warming. It is produced by anaerobic decomposition, that means जो भी decomposition process है in the absence of oxygen, that is called anaerobic decomposition of organic waste water and sludge by anaerobic bacteria called the methogens. Then it is produced from the dumped garbage, then wetland, biomass burning, petroleum exploration sites, agriculture, rice fields, organic municipal waste, etc. The concentration of methane in air is less than 2 ppm. However, its potential of global warming is very high. But इसका मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बट ग्लोबल वार्मिंग में होने में उसका पोटेंशियल ज़्यादा है. ओके, इट्स वेइंग इज 21 एंड इट इज 25 टाइम्स मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू CO2. तो भले उसका पोटेंशियल या हम बोल सकते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो भी वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जवाबदार है. इट्स रेसिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर इज 12 years, दैट मीन्स ये एटमॉस्फेयर में 12 years तक रहता है.
नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस. कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस गैस इज टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग इज अबाउट 6%. इट्स मेन रिसोर्सेज आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंबस्टन ऑफ द सॉलिड वेस्ट एंड कंबस्टन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. इट इज प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स इन द सॉयल. तो ये कैसे एटमोसफेयर में आता है? तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर जो हम सॉइल में यूज करते हैं उसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में आता है. नाइट्रेट कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर, बर्निंग ऑफ नाइट्रोजन रिच फ्यूल्स, लाइव स्टॉक वेस्ट एंड ड्यूरिंग नायलॉन प्रोडक्शन. तो उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड आता है. द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज 0.3 ppm एंड द रेसिडेंस टाइम इज 120 years एंड GWP दैट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ N2O इज 230. देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो क्या है? CFCs आर हाईली स्टेबल नॉन फ्लेमेबल मैन मेड गैसियस कंपाउंड ऑफ कार्बन. देन हैलोजन्स मेजर सोर्स ऑफ CFC आर लीकिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेशन यूनिट्स, क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, देन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स एंड स्प्रेइंग पेंट्स एक्सेट्रा. तो किसकी वजह से होता है? तो ये सब यूनिट्स है जिसमें से CFC जनरेट होता है. CFC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरो फ्लोरिन एंड क्लोरिन एंड CFC11 एंड CFC12 आर द मोस्ट कॉमनली यूज CFCs एंड दे हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सम 12,000 to 16,000 टाइम्स एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. Then the atmosphere concentration of CFC is 0.00225 ppm and is increasing at the rate of 0.5% annually. Then next one is ozone. In the troposphere, ozone is a secondary pollutant. It is formed by the reaction of atomic oxygen with the oxygen gas in the presence of nitrogen. Ozone has strong absorption band at the 9 micrometer and is quite unstable in the troposphere. The contribution of ozone towards global warming is about 8%. CH4 का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस टू ग्लोबल वार्मिंग. तो CO2 का 60% है, CH4 का 20% है, CFC का 14% है, N2O का 6% है. देन किसकी वजह से होता है? तो एग्रीकल्चर से 13%. रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज टू इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर. ग्रीन हाउस गैसेज जो भी है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो वो उसमें कौन कौन से जो भी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है और ग्रीन हाउस गैसेस है, तो वो उसका अमाउंट और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने में किसका कितना भाग है, किस किस एक्टिविटी से वो बढ़ता है. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से 13%, डिफॉरेस्टेशन से 14%, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से 24% एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दैट इज 49%. देन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द चेंज इन क्लाइमेट. तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट होता है? तो क्लाइमेट में चेंज होता है. राइजिंग हैव ए प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट रीजन. चेंजिंग क्लाइमेट ब्रिंग इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. तो क्लाइमेट में चेंज होने से क्या क्या होता है? तो चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, देन ड्राइंग ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज. जो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है? रेनफॉल पैटर्न जो भी है वो चेंज हो जाता है. देन सरफेस वाटर बॉडीज जो भी है वो जो तालाब वगैरह है वो सूख जाता है. कन्वर्जेशन ऑफ द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट. तो
जो भी फर्टाइल लैंड है जहाँ पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. देन सीरियस वाटर शॉर्टेज फॉल इन द ग्राउंड वाटर टेबल. देन ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे एक पानी का लेवल होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर टेबल. तो वो भी डिक्रीज होता है, डाउन होता है. चेंज इन क्रॉप पैटर्न्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज. देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ता है और उसका ग्रोथ होता है, ओके. तो उसकी वजह से डिसीज फैलता है. चेंज इन वेजिटेशन पैटर्न, ओके. तो ये सब चेंज इन क्लाइमेट की वजह से होता है. तो वो और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है. राइज इन सी लेवल, द हाई टेम्परेचर ऑन द अर्थ विल मेल्ट पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, कॉजिंग राइज इन सी वाटर लेवल ओवर दिस पीरियड ऑफ 1901 टू 2010. ग्लोबल सी लेवल रोज बाय 0.19 मीटर अबाउट 8 इंच. दिस राइज इज मोर देन हाफ ऑफ राइज इन द प्रेसिडिंग 2000 ईयर्स. इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सी लेवल बाय 1 mm, द कोस्ट लाइन मूव्स आईलैंड बाय द 1.5 किलोमीटर्स. तो क्या होगा, राइज वाटर लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो भी कोस्टल एरियाज है उसको उसमें पानी भर जाएगा, उसको वो आइलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा. राइजिंग सी लेवल विल इनंडेट द कोस्टल एरियाज, सबमर्जेंस ऑफ द आइलैंड्स. फॉर एग्जांपल तुलुवु कंट्री बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड हवाई, दैट इज द एग्जांपल ऑफ राइजिंग सी लेवल. देन इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ में भी एडवर्सली इफेक्टेड इन हॉट क्लाइमेट. क्लाइमेट चेंजेस एंड राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर हैज लीड टू अकरेंस ऑफ डिफरेंट न्यू डिसीज. चेंज इन क्लाइमेट में जनरेट ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स एट ग्लोबल लेवल्स. ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से डिसीज होते हैं. अदर इफेक्ट, डिक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, देन एडवर्स इफेक्ट. देखो CO2 का ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट होंगे और उसकी वजह से जो भी डिक्रीज इन फूड के प्रोडक्शन में, फूड का प्रोडक्शन कम होगा. एडवर्स इफेक्ट ऑन द फ्लोरा एंड फ्यूना, जो भी यहाँ पे एनिमल्स प्लांट्स जो भी रहता है, ओके, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा. एडवर्स इफेक्ट ऑन मैनी इकोसिस्टम्स. कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में ले सकते हैं. तो सम ऑफ द मेजर्स टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग आर एज फॉलोज. रिडक्शन इन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी जनरेशन. हम एनर्जी जनरेशन के लिए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करना है तो कई बार हम फॉसिल फ्यूल्स का भी यूज करते हैं, तो सब हमें कम करना चाहिए. प्रमोटिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. तो ये सब का हमें, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उसका हमें यूज करना चाहिए जिसकी वजह से पॉल्यूशन ना हो. देन हाइड्रोजन एज ए एनर्जी सोर्स ऑफ फ्यूचर इज अनदर प्रपोजल. देन हाइड्रोजन को भी एज ए एनर्जी सोर्स हम यूज कर सकते हैं. रिडक्शन इन N2O एमिशन बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर. तो हमें N2O का जो भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जो भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, उसमें N2O का प्रपोर्शन जो है वो कम होना चाहिए. इंक्रीज ऑफ वेजिटेशन कवर पर्टिकुलरली फॉरेस्ट एज इट इज सिंक फॉर CO2 एब्सॉर्प्शन. इंक्रीज ऑफ द वेजिटेशन कवर, दैट मीन्स आपको प्लांट्स और ट्रीज वगैरह ग्रो करना चाहिए जिसकी वजह से CO2 का जो भी एब्सॉर्प्शन है वो होगा और O2 जनरेट होगा. There is a vast scope for energy conservation such as through the introduction of mass production in cities, development of energy efficient devices, economic use of energy by using the substitute light HCFC in place of CFC. तो CFC की जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए, HCFC यूज करना चाहिए जिससे वजह से जो भी CO2 जनरेट होता है वो कम हो और जो भी ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होते हैं उसका जो भी प्रपोर्शन है वो कम
जनरेट हो और उसका जो रेसिडेंट टाइम है सीएफसी का वो कम होता है एज कम्पेयर टू सीएफसी। ओके, ट्रैपिंग एंड यूज ऑफ मीथेन एज फ्यूल, तो हमें मीथेन का यूज करना चाहिए, उसको एक जगह पे मीथेन जहाँ से जनरेट होता है तो एक जगह पे उसको स्टोर करके हम उसका एज ए फ्यूल फ्यूल के फ्यूल एज ए फ्यूल हम उसका यूज करना चाहिए। देन स्टेबलाइज पॉपुलेशन ग्रोथ, जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको स्टेबलाइज करना चाहिए। देन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैव टू बी अपग्रेडेड टू रिलीज एज लिटल ग्रीन हाउस गैसेस एज पॉसिबल, तो हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इस प्रकार से करनी चाहिए जिससे ग्रीन हाउस गैसेस जो भी जनरेट हो रहे हैं वो उसका प्रपोर्शन कम हो। ओके, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ वार्मिंग कॉस्ट बाय द सब्सटेंसेस कंपेयर टू वार्मिंग कॉस्ट बाय द सिमिलर मास ऑफ CO2। तो यहाँ पे CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, 1, बिकॉज हम CO2 के कंपेयर में कर रहे हैं जो भी ग्लोबल वार्मिंग होने में एज कंपेयर टू CO2 दूसरे गैसेस का प्रपोर्शन कितना है तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो लाइफ इसका कितना है, 100। देन मीथेन है तो उसका ग्राउंड वाटर ग्राउंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, दैट इज 25 एज कम्पेयर टू CO2, दैट मीन्स कंपेरिजन CO2 के साथ हम कर रहे हैं। देन N2 है, N2O है दैट इज 230 एंड CFC है दैट इज दिस। ओके, इसका लाइफ कितना है, इतना है, का लाइफ कितना है, मीथेन का 12 है, M2 का लाइफ कितना है, दैट इज 120 इयर्स। दैट मींस ये सब्सटेंसेस का लाइफ एटमॉस्फेयर में कितना है तो उसके रिलेटेड है। एसिड रेन क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एसिड रेन, व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड द एसिड रेन। तो पीएच वैल्यू हमने देखा होगा, हमने आगे जो भी वाटर पॉल्यूशन हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि पीएच 7 से कम हो दैट इज कॉल्ड एसिडिक वाटर, पीएच 7 से ज्यादा हो दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन वाटर। तो एसिड रेन क्या है वो हमने, हमें एसिडिक वाटर को किसको बोलते हैं और अल्कलाइन वाटर किसको बोलते हैं वो हमने पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन में। तो जिसका भी पीएच वैल्यू, पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड द एसिड रेन, दैट मीन 7 से नीचे पीएच है दैट इज कॉल्ड एसिडिक वाटर एंड 7 से अप है दैट इज अल्कलाइन वाटर। थ्योरेटिकली स्पीकिंग रेन वाटर दैट इज नेचुरल वाटर एज इट फॉल शुड बी आइदर एसिडिक नॉर आइदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन, इट शुड बी न्यूट्रल, दैट मीन्स जब भी रेन होता है तभी उसका पीएच कितना होता है, 7, बट इन रियलिटी इट इज नॉट सो बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। हम ऐसा बोलते हैं कि भाई जब भी नेचुरल वाटर होता है उसका पीएच 7 होता है, बट ये एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 है, ओके, इन रेन वाटर टू यील्ड कार्बोनिक एसिड, जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 है उसकी वजह से वो पानी में डिजोल्व होता है। ओके, और डिजोल्व होने से क्या होता है, कार्बनिक एसिड जनरेट होता है और ऑब्टेन होता है विच इम्पार्ट स्लाइटली एसिडिटी टू द रेन वाटर, दैट इज CO2 प्लस H2O दैट इज H2CO3 दैट इज कार्बनिक एसिड। एंड द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन विल बी एक्सपीरियंस ओनली इफ द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज अबाउट 4.5। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आप फील कर सकते हो जब पीएच ऑफ रेन वाटर इज अबाउट, वाटर का पीएच वैल्यू 4.5 और लेस हो तो। यूरोप, नीदरलैंड, स्वीडन, यूएस एंड अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज फेस्ड प्रॉब्लम ऑफ एसिड ड्रेन विथ पीएच ऑफ 5 to 2.2। द फिनोमिनन ऑफ एसिड रेन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन सिटीज लाइक कानपुर एंड मुंबई, द रिडक्शन इन पीएच ऑफ रेन वाटर इज बेसिकली ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स और
ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ रेन वाटर, पीएच रेन वाटर का पीएच क्यों घट जाता है, उसका रीजन क्या है? तो जो भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर है तो वो डिसॉल्व होता है रेन वाटर में। इसकी वजह से क्या होता है, इन द एटमॉस्फेयर में जो भी ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर होता है प्रेजेंट होता है वो रेन वाटर में डिसॉल्व होता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। रिएक्शन करके हमें ये सब मिलता है, 2SO2+O2 दैट इज 2SO3, SO3+H2O दैट इज H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह से 2NO+O2 दैट इज 2NO2 और 4NO2+2H2O+O2 दैट इज 4HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। HCl गैस दैट इज डिजॉल्व इन water that is HCl hydrochloric acid. It is estimated that acid rain contribution of H2SO4 is 60-70% and HNO2 that is H2SO4 and that of HNO3 is 30-40%. Acidity contributed by HCl is very small. Causes of acid rain, तो उसके लिए कौन जवाबदार है? तो dissolution of SO2 and NO2 formed by the burning of fossil fuels into rainwater, dissolution of oxides of sulfur and nitrogen estimated from the automobile exhaust in rainwater, तो emitted from the automobile exhaust in the rainwater, dissolution of oxides of sulfur and nitrogen released from the chimneys of smelting industries, जहाँ पे metal बनता है, in pure form of metal बनता है, वहाँ से जो sulfur और nitrogen release होता है, उसकी वजह से भी acid rain होता है, सल्फर और नाइट्रोजन जनरेट होने से भी एसिड रेन होता है। इंडस्ट्रियल प्लांट्स यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो जनरली सल्फर और नाइट्रोजन का यूज होने से एसिड रेन होने के चांसेस ज़्यादा है। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो स्किन इरिटेशन and aggravation of respiratory disease, that means जो भी skin irritation है, then respiratory disease are frequently observed in acid rain affected areas. Respiratory disease, that means what, lung cancer है, asthma है, वो सब acid rain की वजह से होता है, Then next, effect on aquatic life. So, acidification of the lakes and streams due to acid rain may cause the disappearance of the aquatic species. That means, जो भी aquatic plants, animals है, aquatic species, that is aquatic animals है, and killing of bacteria, algae, small fishes. तो जो भी acidic water की वजह से क्या होता है, जो भी उसमें fishes, plants है, animals है, वो सब पे effect पड़ता है, It is reported that due to the acidity, there are thousands of lakes in Norway and Sweden that do not contain any fish. तो जो भी species है, स्पाइसेस जो भी एनिमल्स प्रजाति जो होती है वो लुप्त होती जाती है, बिकॉज एसिडिक वाटर की वजह से उसमें जो बैक्टीरिया अलगाई जो भी है उसका भी नाश होता है, देन इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, एसिड रेन में डीकलराइज द लीव्स ऑफ प्लांट्स। एसिड रेन की वजह से क्या होता है, प्लांट्स का जो भी प्लांट्स का लीव्स जो होता है वो डी कलर होता है, दैट मीन्स ग्रीन कलर नहीं होता है। रिड्यूसेस द क्लोरोफिल कंटेंट एंड इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स फॉरेस्ट आर वर्चुअली किल्ड, दैट मीन्स जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट यानी प्लांट्स वगैरह जो भी है वो किल हो जाता है, दैट मीन्स रहता नहीं है। फॉर वेजिटेटिव एरिया, वेजिटेशन एरिया जो भी है, प्लांट्स वगैरह है वो रहते नहीं है,
देन इफेक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज, एसिडिफिकेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज बोथ सरफेस एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज इज वेरी क्रिटिकल आउटफॉल ऑफ एसिड रेन। देन जो भी वाटर रिसोर्सेज है उसमें क्या इफेक्ट होता है, तो एसिडिफिकेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज बोथ सरफेस एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज इज ए वेरी क्रिटिकल आउटफॉल ऑफ एसिड रेन। पीएच ऑफ वाटर ड्रास्टिकली रिड्यूसेस विच हैज ए डेलिटेरियस इफेक्ट ऑन द फिश पॉपुलेशन एक्सेट्रा। वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट इंक्रीज वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर आर डैमेज्ड। दैट मीन्स जो भी वाटर ट्रीटमेंट एसिडिक वाटर होगा तो उसका वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो इंक्रीज होगा, उसका कॉस्ट बढ़ेगा और जो भी वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर जो भी है, बिकॉज एसिडिक वाटर क्या है वो एंड को भी इफेक्ट करता है, उसके जो स्ट्रक्चर है उसको भी इफेक्ट करता है, तो वो उसको डैमेज कर देगा एसिडिक वाटर। Damage to the structures and property. Acid rain can damage the structural material like the marble, limestone, monuments, especially those structures that of marble such as the Taj Mahal in India are disfigured. Vehicle finishes are also affected. Reduction in soil pH. The low soil pH diminishes the bacterial activity in soil. तो लो पी एच वैल्यू होगा सॉइल में तो जो भी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो कम होगा, विच हैज़ अ सीरियस रिपरकेशन ऑन द न्यूट्रिएंट फिक्सेशन। दैट मीन्स जो भी न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ओके, लो पी एच वैल्यू की वजह से। ऑल्सो अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट्स इज हिंडर्ड्स। दैट मीन्स जो भी प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाना चाहिए प्लांट्स में जिसकी वजह से वो प्लांट्स ग्रो होता है वो नहीं होगा ड्यू टू द लीचिंग आउट ऑफ द एल्यूमिना एट लो पी एच कंडीशंस। इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, acid rain affects the ecosystem as it breaks the food chain and food web and thereby reduces the biodiversity. Acid rain affects the ecosystem as it breaks the food chain. Food chain है उसको break करता है और food web and thereby reduces the biodiversity. बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स जो भी फूड चेन ब्रेक होगा, इकोसिस्टम एसिड रेन अफेक्ट्स इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा, उसकी वजह से फूड चेन और फूड वेव वो इफेक्ट होगा और उसकी वजह से जो भी कई प्रजाति है दैट इज डिपेंडेंट ऑन फूड चेन वो लुप्त होती जाएगी, कई कई प्रजाति है वो लुप्त होती जाएगी, ओके, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। Control of acid rain. Remedial or control measures of acid rain are decreasing the emission of the sulfur, decreasing the emission of the sulfur dioxide and nitrogen oxide. Okay, adopting energy conservation measures. Okay. Then using less coal in power plants and utilizing the non-polluting energy sources, decreasing the emission of sulfur dioxide and nitrogen oxide. That means जो जिससे भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है उसका वो यूज कम करना चाहिए। Then adopting energy conservation measures. दैट मीन्स जिस जो भी हमारे पास एनर्जी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका कम यूज करना चाहिए, यूजिंग लेस कोल इन पावर प्लांट्स एंड यूटिलाइजिंग नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज। दैट मीन्स यूजिंग लेस कोल इन पावर प्लांट्स एंड यूटिलाइजिंग नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज। दैट मीन्स हमें कोल का यूज पावर प्लांट में कम करना चाहिए, जो नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेस है उसका कम यूज करना चाहिए। लेक्स एंड सॉइल दैट आर एक्सट्रीमली एसिडिफाइड कैन बी ट्रीटेड विथ लाइम टू रिजुनेट देम। दैट मीन्स जो भी हमारे पास सॉइल है जिसमें एसिडिक लेक और सॉइल है जिसमें रिलीज ऑफ SO2 कैन बी कंट्रोल बाय अडॉप्टिंग सुटेबल SO2।
एंड रिड्यूसिंग द इक्विपमेंट्स इन द इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स. नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हाई सल्फर कॉल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स. देन कंसिडरिंग न्यूक्लियर एनर्जी एज एन ऑप्शन फॉर द फ्यूचर फ्यूल्स. ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.